तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1 नवंबर से जियो फोन में व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा, तो इसका कारण क्या है और इसका कोई सोल्यूशन है, तो वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और काफ़ी दिनों बाद लंबी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो मैं आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ, इसलिए लाइक कर दीजिएगा। तो अगर किसी को लग रहा है कि ये कोई फेक न्यूज़ है तो ऐसा नहीं है, ये काफ़ी दिन पहले ही मेरे पास में न्यूज़ आ गई थी। कईस व्हाट्सएप आप सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी न्यूज़ देखने को इसके ऊपर में मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ऐसा जियो फोन के साथ में नहीं कर रहा है, एंड्रॉयड के कुछ वर्जन, कुछ आईओएस के वर्जन और उनके बीच में कईस का भी वर्जन है 2.5.0, जो कि अभी जियो फोन 1 और जियो फोन 2 में रन कर रहा है, तो उनमें व्हाट्सएप जो वो 1 नवंबर से सपोर्ट करना बंद कर देगा। काफ़ी बार पहले भी हो चुका है कि व्हाट्सएप ने बताया हो कि पुराने वाले जो डिवाइसेज हैं उनमें व्हाट्सएप नहीं चलेगा, तो वो उनका कुछ सिक्योरिटी वगैरह का मैटर हो सकता है, मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जियो फोन 1 और जियो फोन 2 में व्हाट्सएप नहीं चलेगा 1 नवंबर से, अगर जियो कंपनी अपडेट नहीं देती है। और मैं यहाँ पर व्हाट्सएप में अपडेट देने की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर अपडेट आपको दिया जाएगा जिसके बाद में जो आपका वर्जन है जो कईस 2.5.0 है अभी, वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाएगा, 2.5.1 हो सकता है, लेकिन अपडेट नहीं आएगा। तो व्हाट्सएप ने पहले ही बोल रखा है कि 1 नवंबर से सपोर्ट करना बंद कर देगा। लेकिन जियो फोन F320 भी में कईस 2.5.3.2 रन कर रहा है, तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी व्हाट्सएप ऐप में। तो मैं अभी उम्मीद कर रहा हूँ कि 1 नवंबर से पहले इसमें अपडेट आ जाएगा और ये प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले। बाकी मैंने टाइम से पहले वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि अगर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा और 1 नवंबर को व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट करने वाले हो, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको इस इश्यू के बारे में बता दिया है। और बाकी देखते हैं कि व्हाट्सएप क्या कुछ एक्शन लेता है या फिर नहीं, जियो अपडेट देती है या फिर नहीं, वो टाइम आने पर ही पता चलेगा। लेकिन वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, ये अपडेट पसंद आई, जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।